हेलो एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा संडे फंडे आने में। ओल्ड सारे जो बच्चे से लेकर ओल्ड तक सारे बच्चे सारे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत इंजॉय करने को मिलता है। 13-17 में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सोमवार से लेकर शनिवार तक जो लोग काम पे रहते हैं, सारे दिन टेंशन में रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा आयोजन जो है पानीपत में करवाया जा रहा है। शक्ति भारद्वाज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वैसे पानीपत सारे कार्यक्रम में मीडिया की भूमिका निभा रहे हैं। आप बताएं, कैसे एंजॉय किया आपने संडे फंडे में आकर? हमें बहुत अच्छा लगा और संडे फंडे एंटरटेनमेंट का इतना अच्छा प्रोग्राम है कि यहाँ पे बच्चे से लेकर पेरेंट्स तक सभी यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें आकर काफी सारी मस्ती फन सभी जो है यहाँ पर आकर कर सकते हैं, और जिनको मस्ती करने का फन करने का मौका नहीं मिलता बिजी शेड्यूल में, वो संडे फंडे में आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पर उन्हें आकर बहुत अच्छा लगे। आप सुबह से यहाँ देख रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल फ्रेश एकदम। यहाँ पे आके हम अपनी थकान अपने काम को सब कुछ भूल चुके हैं। यहाँ पे आके हम सबको आना चाहिए। आप भी सुबह से यही हैं? जी। क्या देखने को मिल रहा है? डांस। आपने भी किया? जी। नहीं किया? जी। थोड़ा मजा आया? जी। तो ये हर तबके के लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं मेरे साथ। भाई साहब, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं संडे फंडे में? संडे फंडे में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम thali.com की तरफ से इसमें पार्टनर भी हैं और मैं आज आपके चैनल वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आप लोग खाली अपना बिजनेस के चक्कर में नहीं रहते और बहुत ही बढ़िया आपने सामाजिकता निभाई। बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं, मैं तब से यहाँ बच्चों के माध्यम से देख रहा हूँ और वॉइस ऑफ पानीपत पानीपत की जान है और आन बान शान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और ऐसा कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, युवा साथी भी मेरे साथ हैं, आप बताएं किस तरह का एंजॉय चल रहा है? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे सभी तरीके की एक्टिविटी है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोगों को टैलेंट्स को आगे निकाला जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा पहले ट्राई सिटीज़ में होता था लाइक दिल्ली चंडीगढ़, बट एक छोटी सिटीज़ में इस तरीके का कार्यक्रम चलाना बहुत अच्छी गुड एक्टिविटीज़। मैं थैंक्स करना चाहूँगा शक्ति भारद्वाज को। बिल्कुल, संडे फंडे का कार्यक्रम हर सप्ताह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अगर वैसे पानीपत पे आप दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो जरूर यहाँ पर पहुँचिए और 13-17 सेक्टर में इंजॉय कीजिए।
2013-17 में हो चुकी है। बड़े क्या, बच्चे क्या, सब यहाँ पर इंजॉयमेंट करने आ रहे हैं। आप लोग भी घरों से निकले और पहुंचे यहाँ पर और इंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए काफी फन गेम का यहाँ इंतजाम किया गया है, डांस है और भी है, कई तरह के प्रोग्राम है जो यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे साथ सविता आर्य है, वो भी यहाँ पर पहुंचे, इनसे भी बातचीत करते हैं। आर्य जी, कैसे इंजॉयमेंट हो रहा है? ये संडे फंडे बच्चे इंजॉय करने लग रहे हैं। ये शक्ति भारद्वाज जी ने ये प्रोग्राम किया है और हमारे 2200 पानीपत इसका साथ दे रहे हैं, तो मैं बधाई के पात्र हैं। हमारा 2200 पानीपत और ये शक्ति भाई, ये बधाई का पात्र है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम बड़े बड़े शहरों में आयोजित होते हैं, लेकिन हमारे गर्व की बात है हमारे लिए जो पानीपत शहर में भी इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक इससे बड़ा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। जो सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग दुखी रहते हैं, सारे टेंशन में रहते हैं, काम पे रहते हैं, उनके लिए एंजॉयमेंट के लिए अच्छी जगह है, क्या लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से अपील करती हूँ कि जो 7 दिन जो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हो, जैसे मैं भी समाज में अपने आपको व्यस्त करती हूँ, लेकिन आज मैंने भी यहाँ के बहुत ज्यादा इंजॉय करा, शायद जिंदगी में मैंने पहली बार इतना इंजॉय किया होगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काम काज छोड़कर एक दिन सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए निकाल लें। और सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आओ, हर संडे को इंजॉय करो और बच्चों को भी इंजॉय करवाओ। कम से कम जिंदगी जीनी है तो एक दिन अपने लिए जरूर निकालो, ये मेरा आह्वान है पानीपत वासियों से। एक दिन आह्वान है, एक दिन जरूर निकालो। प्रदीप जी, सुबह से यहाँ खड़े हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ शक्ति भारद्वाज जी को कि उन्होंने पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती पर एक अनूठी पहल की है। बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन आज पानीपत में इस प्रकार की पहल करके युवाओं को एक अच्छा मौका दिया कि किस प्रकार से आप अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखा सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि संडे को किस प्रकार से फंडे बनाया जाए, ये एक अनूठी पहल पानीपत के लिए रहेगी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं हमारे साथ शक्ति, इनसे बातचीत करेंगे। और वॉइस ऑफ पानीपत इसमें मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं, क्या मोटिव है इस कार्यक्रम का? सर, जो ये प्रोग्राम है ये संडे फंडे का, ये एक बच्चों की हेजिटेशन रिमूव करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि दिल्ली, गुड़गांव, करनाल या आप जहां देख सकते हैं वहां पे राहगिरी के नाम से एक प्रोग्राम होता है, वैसे ही हमने एक प्रोग्राम पानीपत में स्टार्ट किया है जिसका नाम है संडे फंडे। मैं देखता था कि लोग ना बहुत काम कर करके इतना परेशान हो चुके थे, और पानीपत में संडे को फंडे बनाने के लिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहाँ पर लोग आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और एवरी संडे प्रोग्राम 9 to 11 o'clock यहाँ पर Sector 13 में होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा पानीपत वालों को और आसपास के जितने भी यहाँ पर शहर है या गाँव है कि हर संडे यहाँ पर 13 में आए, आपके जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जिनमें जो भी टैलेंट है वो यहाँ पर आए इस प्रोग्राम को देखने की और इसमें पार्टिसिपेट करने की। कोई भी फीस नहीं है इसमें। वॉइस ऑफ पानीपत जो है हमारा साथ दे रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर है, और जो सेक्टर सविता आर्या जी है नारे तो नारायणी के अध्यक्ष है, और विकलांग विकास संस्था के अध्यक्ष जो है हमारे, वो हमारे इसमें साथ है। पानीपत के लोग इसमें हमारे साथ हैं। यहाँ पर मैं पानीपत वालों को फिर से कहना चाहूँगा कि हर संडे 13-17 में आप आए और यहाँ पर अपना संडे जो है उसको फंडे बनाए, संडे को फंडे बनाए। सोमवार से लेकर शनिवार तक जो लोग दुखी रहते हैं वो जरूर इस प्रोग्राम का एंजॉयमेंट करें, और संडे को ये कार्यक्रम सेक्टर 13-17 में आयोजित किया जाता है, और एक काफ़ी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सुबह से 9 बजे लोग ठंड में यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे। छोटे छोटे बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं, बड़ों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो वॉइस ऑफ पानीपत भी आप लोगों से अपील करता है कि घर से निकलकर यहाँ आए और अपने एक दिन का जो समय है वो जरूर निकालें, एक दिन की जो टेंशन है वो जरूर दूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।